看看。<Okay. S 2> okay.

नमस्कार जय श्री कृष्णा सब लोग म्यूट म्यूट करके नमस्ते कर रहे हैं क्या <laughs> नमस्ते सर गुड मॉर्निंग नमस्ते अजय मित्तल क्या हाल है बिल्कुल ठीक सर वेरी नाइस वेरी नाइस जय जी नमस्कार जय श्री कृष्णा कल्पना जी जय श्री कृष्णा चलिए बहुत अच्छा अरुण कुमार जी नमस्कार नमस्कार हाँ संतोष नमस्कार नमस्ते नमस्ते आ, नमस्ते सर नमस्कार 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 चलिए नाइस nice. बहुत टाइम से आप लोग पहुंच गए अभी वो नहीं आया टैपिंग शायद उठने में प्रॉब्लम देर हो गई होगी उसको कोई बात नहीं तो कहाँ तक पहुंचे थे पिछली बार हम लोग देखे नाइन्थ हाउस कर लिया था हमने नाइन्थ हाउस कर लिया था ना जी जी नाइन्थ हाउस हो गया सर हाँ नाइन्थ हाउस हो गया था तो आज हम टेंथ हाउस से स्टार्ट करेंगे तो नाइन मैं सो स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ पहले एक बार जरा ताकि आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ जाए पूरा जी जी दसवां भाव कुंडली का दसवां भाव जो है बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है ये वाला इससे हर तरह का कर्म जो होता है मतलब कहने का यह है कि देखिए कर्म भी कई तरह के होते हैं एक कर्म तो लोग नॉर्मली यही समझते हैं कि प्रोफेशन भाव ही ये वाला भाव है ऐसा नहीं है प्रोफेशन भाव के अलावा जितने प्रकार के भी कर्म होते हैं प्रोफेशन तो एक कर्म है उसके अलावा जितने प्रकार के कर्म होते हैं वो सारे इसी भाव से देखे जाते हैं तो इसलिए इस भाव का नाम है कर्म भाव तो कर्म भाव लीजिए इसको इसको खाली प्रोफेशनल भाव मत समझिए तो कर्म भाव है रोजी रोटी क्योंकि प्रोफेशन का भाव भी होता है तो रोजी रोटी भी इसी भाव से आती है वो भी इसी से देखते हैं सम्मान इंसान का के इंसान का सम्मान होगा या नहीं होगा वो भी इसी भाव से देखा जाता है तो मैं आपको इसके आगे बता देता हूं कि कर्म भाव अब इसमें प्रसिद्धि आपकी फेम आप फेमस होंगे या नहीं होंगे फेमस होंगे तो कितने फेमस होंगे ये बात भी आपके दसवें भाव पे ही निर्भर करती है इसमें एक श्लोक कहा गया है श्लोक में बोला गया है राज्यम चाकाश वृत्तिम च मानम नवम चवम पितुस्त था प्रवास्य ऋणी व्योग स्थान है यानी ये बोलते हैं कि राज्य चाकाश वृत्तिम च मानम मतलब मान आदमी का जो भी सम्मान है मान है वो सारा चीज इसी से देखा जाता है कि आदमी की ईमानदारी और बेईमानी भी इसी भाव से देखी जाती है एनजीओ में जो लोग नौकरी करते हैं कई बार पूछते हैं लोग साहब एनजीओ में जो नौकरी करते हैं वो कहां से देखें तो वो भी दसवें भाव से देखे जाते हैं एनजीओ में सर्विस करने वाले लोग जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे सर्विस करते हैं आपकी उपलब्धियां आप क्या अचीवमेंट्स आपकी हैं वो भी आपके दसवें भाव से देखी जाती हैं सड़क सड़क को भी दसवें भाव से देखते हैं मेडिसिन जितनी भी हैं वो दसवें भाव से देखी जाती हैं आपकी कमर दसवें भाव से देखी जाती है कितना अध्ययन करते हैं आप वो भी सारा दसवें भाव से देखा जाता है आपकी जो होती थी ना जैसे बड़े बड़े पहले जमाने में राजाओं की मोहर होती थी जब कोई वो निर्देश निकालते थे या हुक्म का कर, पालन करना करवाना होता था राज वो फोन डू नॉट डिस्टर्ब पर नहीं लगाया अरे ड्यूट कर लीजिए अरुण जी आपकी आवाज आ रही है मुझे नहीं आता म्यूट कर लीजिए तो जो राजा महाराजा लोग होते थे और जो फोन वो इस्तेमाल करते थे मोहर इस्तेमाल करते थे जब भी वो अपना कोई आदेश निकालते थे तो उस उसको वो मोहर लगाते थे तो वो मोहर भी मतलब किसी भी आदेश पे लगने वाली मोहर को भी हम दशम भाव से देखते हैं गोद लिया हुआ बच्चा दूसरों को काबू करना दूसरों को काबू करना भी दसवें भाव से देखा जाता है कि हम दूसरों को काबू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी हम दसम भाव से देखते हैं गोद लिया हुआ बच्चा इसके अंदर दो चीजें हैं एक तो है कि आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं दूसरा है कि आपने बच्चा गोद लिए लिया है जो लेना चाहते हैं वो तो छठे भाव से देखते हैं कि छठा भाव आपका मजबूत है या नहीं है लेकिन जब बच्चा गोद ले चुके हैं तो वो चीज जब कभी भी हमें गोद लिए बच्चे के बारे में स्टडी करनी होगी तो दसवां भाव देखेंगे या आप लोग समझ गए दोनों में अंतर बच्चा गोद लेना है आप शुरू में बच्चा गोद लेने जा रहे हैं तो तो आप छठा भाव देखेंगे कि छठा भाव आपका मजबूत है या नहीं अगर छठा भाव आपका मजबूत है तो बच्चा आप गोद ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और छठा भाव मजबूत नहीं है तो बच्चा गोद लेना अवॉइड करना चाहिए वो आपको सूट नहीं कर पाता लेकिन एक बार बच्चा आपने गोद ले लिया उसके बाद जो उसकी बातें हैं वो आप देखेंगे दशम भाव से आपका गौरव और आपका आत्मसम्मान ये भी आपके दसवें भाव से ही देखा जाता है तो ये सब मैंने आपको बता दिया सिंपल है एकादश भाव क्या है एकादश भाव भी बड़ा सिंपल भाव है नाना वस्तु भवस्यापी पुत्र जायादिक च आयम वृद्धि पशु नाम चय भव्य स्थान निरीक्षणम ये क्या कहते हैं एकादश भाव का सिंगल नाम तो लाभ भाव है जैसे पीछे हमने पढ़ाया था ना तनु भाव पराक्रम भाव जाया भाव सुख भाव ऐसे करके तो एकादश भाव का एक सिंगल नाम जो है वो तो लाभ भाव है लेकिन यहां से बहुत चीज देखी जाती है बड़े भाई बड़े भाई बहन जो है वो भी आप एकादश भाव से देखते हैं छोटे भाई बहन को आप थर्ड भाव से देखते हैं कभी आपने अपने छोटे भाई बहन के बारे में जानना हो उनकी बारे में पता करना हो तो वो थर्ड भाव उनके लिए दिखाया जाता है और एकादश भाव जो होता है वो बड़े भाई बहन के लिए आप देखते हैं समृद्धि इंसान में कितनी समृद्धि रहेगी कितना उसका धन रहेगा दौलत रहेगी ये सारी चीजें जो हैं ये भी हम एकादश भाव से ही देखते हैं आय कितनी आय होगी उसकी प्रोफेशन तो लग गया प्रोफेशन के बाद आय कितनी होगी तो आय जो होगी वो भी हम एकादश भाव से देखते हैं क्या आदमी की जो मन में इच्छाएं हैं उनके फल पूरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो भी ग्यारहवें भाव से देखते हैं तो डिजायर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी बोलते हैं इसको कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो फुलफिल होंगी या नहीं होंगी ये सब हम ग्यारहवें भाव से ही देखते हैं अलेवंथ भाव से देखते हैं आपकी एम्बिशंस जो होती हैं कि मैं ये बनना चाहता हूं मैं ये करना चाहता हूँ जो भी आपके एम्बिशंस हैं वो भी अलेवंथ भाव से देखी जाती हैं कोई अपनी एम्बिशंस के बारे में क्वेश्चन करता है कि मैं ये बनना चाहता हूं मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा तो उसके लिए आपको उसका अलेवंथ भाव चेक करना पड़ेगा कि अलेवंथ भाव उसका मजबूत है या नहीं है भाव मजबूत है या नहीं है भाव कमजोर है या कमजोर नहीं है ये कैसे करते हैं ये तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा जब हम लोग भावों से आगे निकल के चलेंगे तब तो आपको सारी चीजें ये मालूम चलेगी अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि भाव मजबूत है तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी भाव मजबूत है तो आपके बड़े भाई बहन आपसे अच्छे प्रेम रखेंगे भाव मजबूत है तो आपको लाभ होगा आय होगी अंतरराष्ट्रीय संबंध भी यही से होता है जो भी आपके इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह हैं वो भी एकादश भाव से देखे जाते हैं कई बार क्या होता है Uh, कुछ लोगों को शायद आइडिया ना हो लेकिन अजय मित्तल को तो आइडिया होगा इस चीज का क्योंकि ये सी ए है और ये होता है कि हम लोग ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट करते हैं और ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट करते हैं जब वेंचर फॉर्मेशन करते हैं किसी फॉरन कंपनी के साथ में कोई एम है या कोई फॉरन कंपनी है विदेशी कंपनी है उसके साथ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट करते हैं तो वो जो भी हमारा चीजें हैं वो सब हमारी ग्यारहवें भाव से देखी जाती है या किसी कंपनी का हम लोग एक्विशन करते हैं या मर्जर वगैरह होता है वो भी ग्यारहवें भाव से दिखा जाता है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस जितने भी हैं वो सारे ग्यारह भाव से दिखे जाते हैं आपके जो भी इंटरनेशनली आपकी सोशल नेटवर्किंग है आपके जानने वाले लोग हैं वो सारे आपके इसी भाव से देखे जाते हैं धन और भाग्य भी आपका भाग्य भाव तो आपका नवा भाव होता है इसको भाग्य भाव से ज्यादा रिलेट मत कीजिए लेकिन धन कहते हैं कि एकादश भाव लाभ भाव है तो धन से भी इसका होता है पैतृक संपत्ति आठवें भाव से देखी जाती है लेकिन वो मिलेगी नहीं मिलेगी उसका लाभ होगा नहीं होगा वो ग्यारह भाव से देखा जाता है मां की आयु मां की आयु को आप ग्यारहवें भाव से देखते हैं क्यों क्योंकि चौथा भाव मां का होता है तो उस भाव से आठवां भाव आप लगाएंगे तो वो मां की आयु आपका हो जाएगा प्रेमिका के लिए सोने चांदी के आभूषण बनाना अगर बात आती है तो ये भी ग्यारहवें भाव से देखा जाता है मित्र मंडली जितनी भी होती है वो ग्यारहवें भाव से देखते हैं बहुदामाद अब बहुदामाद कैसे देख लिया आपने इससे देखिए पुत्र का भाव होता है पांचवा भाव तो पांचवे से सातवां भाव अगर आप लगाएंगे तो वो पुत्र की पत्नी का भाव हुआ यानी जो आपके घर में आने वाली बहू है उसका भाव हुआ तो पुत्री का भाव पांचवा भाव होता है तो पुत्री के हस्बैंड का भाव उससे सातवां हुआ तो ग्यारवा भाव दामाद का भी हुआ तो बहू और दामाद का भाव भी ये होता है नौकरी से लिया वेतन ये भी इसके अंदर आता है गोदिया बच्चा इसमें गलत लिखा है ये इसके अंदर नहीं आएगा गोदिया बच्चा हम दसवें भाव से ही देखेंगे समग्र नेटवर्किंग जितनी भी नेटवर्किंग आपकी है वो सारी इसी भाव से देखी जाती है छोटे मोटे म्यूट कर लीजिए आप लोगों की आवाज आ रही है थोड़ा छोटे मोटे रोग जो है वो भी इसी से देखे जाते हैं आपके जो ससुर है उनसे आपको कोई लाभ होगा या नहीं होगा वो भी इसी भाव से देखा जाता है आपकी चित्रकारी है ड्राइंग है खाना पकाना है वो भी इसी भाव से देखा जाता है कहने का मतलब यह है कि मोटी मोटी दो तीन बातें याद रखिए कि आपकी लाभ आपकी आय आपकी समृद्धि इसी भाव से देखी जाती है और जिस भी भाव से इस भाव का कनेक्शन हो जाए उस भाव की वृद्धि हो जाती है चार पांच मेन चीज है जो इसमें आपको याद रखनी है ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है इतना याद रखिए कि लाभ क्या इस भाव से देखते हैं बड़े भाई बहन बा इस भाव से देखते हैं आपकी समृद्धि इस भाव से देखते हैं आपकी आय इस भाव से देखते हैं आपकी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं होंगी वो भी इसी भाव से देखते हैं आपकी जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है वो भी इस भाव से देखते हैं ये पांच छह चीजें अगर आप याद रखेंगे तो ये मोर देन है उसके बाद तो सारी चीजें अपने आप निकल जाती है क्योंकि भावों के रिलेशन होते हैं उससे सारी याद निकल जाते हैं हाँ बोलिए सर आपने बताया कि पैतृक संपत्ति इसमें से भी देख सकते हैं ग्यारह भाव से आपने बताया था आठवें भाव से पैतृक संपत्ति हाँ आठवें भाव से पैतृक संपत्ति देखते हैं कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी ग्यारहवे भाव से सिर्फ यह दिखा जाता है कि उस पैतृक संपत्ति का आप कुछ लाभ ले पाएंगे भी या नहीं ले पाएंगे पैतृक संपत्ति मिलना तो ठीक है आठवें से मिल गई आपको लेकिन उसका आप लाभ ले पाएंगे ले पाएंगे ये उसे ग्यारह भाव से दिखा जाता है तो जितना मैंने छह पॉइंट आपको बताया अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो ये पॉइंट आप याद रखिए आपको उससे बहुत आसानी रहेगी ये सब चीजें ग्यारवे भाव के बारे में मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी सब चीजें इसके अंदर ग्यारह भाव में आ गई है अब आता है हमारा लास्ट भाव बारवा भाव उसमें कहते हैं वैरी तथा ही ज्ञात सर्वत्र धीमता ये क्या बोलते हैं ये बोलते हैं व्यय इसका एक नाम तो व्यय भाव है बारहवें भाव का नाम तो जितने प्रकार के एक्सपेंडिचर्स होते हैं जितने प्रकार के व्यय होते हैं वो सारे के सारे आप बारहवें भाव से देते आपका एक्सपेंडिचर होगा या आपके एक्सपेंडिचर आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं वो सारे बारहवें भाव से देखे जाते हैं आपके हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो भी आपके बारहवें भाव से देखे जाते हैं कि आपके हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे वो डिपेंड करता है बारहवें भाव पे बारहवा भाव आपका कमजोर है या बारहवा भाव आपका मजबूत है आपके सम्मान में कमी आने वाली है या नहीं आने वाली है? ये भी बारहवें भाव से देखा जाता है अगर बारहवा भाव कमजोर है तो इंसान के सम्मान में कमी आती है मानसिक तनाव भी बारहवें भाव से दिखा जाता है अनिद्रा बुरा आराम लिखा है इसके अंदर इसका मतलब ये सोचिए अनिद्रा अनिद्रा भी बारहवें भाव से दिखाई जाती है कई बार कुछ लोगों को नींद आने की प्रॉब्लम होती है तो वो भी बारहवें भाव से दिखी जाती है कि अगर बारवा भाव अच्छा ना हो तो ऐसे लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम भी हो जाती है जेल यात्रा का भाव भी होता है पीछे अभी कल्पना जी ने पूछा था कि कोई बंधन योग होता है या नहीं होता है तो वो भी बारहवें भाव से भी आपको दिखा जाता है अगर बारहवा भाव, भाव, भाव बहुत कमजोर हो लगन बहुत कमजोर हो तो बंधन योग बन जाता है वो तो कैसे बनते हैं वो आपको आप सब आगे सिखाएंगे अभी ये ध्यान रखिए कि बारहवा भाव, भाव आपका जेल यात्रा का भाव भी होता है अः काफी विद्वान इसको मोक्ष का भाव भी बोलते हैं बारहवें भाव को वो कहते हैं कि भाई अब सब कुछ खत्म हो गया पहला भाव आपने जी लिया दूसरा भाव आपने जी लिया तीसरा भाव आपने जी लिया ग्यारह भाव तो आप जी चुके सारे अब बारवा भाव जो है आपके मोक्ष का भाव है अगर आप सब कर्म अच्छे करते हैं सब चीज अच्छी करती है तो बारवा भाव आपके मोक्ष को भी दिखाता है बारहवा भाव आपका अगर अति मजबूत हो तो हम कह सकते हैं कि ये इंसान जीवन मरण के चक्र से छूटने वाला है जनता की घृणा ये तो आप इसको इतना अभी मत सोचिए ये तो आपकी जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है उसमें इस्तेमाल होता है जब हम लोग बहुत ही मास लेवल पे एस्ट्रोलॉजी करते हैं कि बाढ़ कब आएगी बारिश कब आएगी ये सब चीजें कब आएगी ये मैं आप लोगों को जब कभी नया पैस स्टार्ट होगा तो बताऊंगा वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है तो उसका तो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं हम तो होरा जो हमारी हरेरी है उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं तो ये बारहवें भाव से संबंधित बातें हमारी इसके अंदर होती है इसके बाद ये सब बारहवें भाव से हो गया कुंडली में शुभ और अशुभ भाव ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो एक तो मैंने आपसे बताया कि हर भाव के बारे में चार पांच चार पांच चीजें आप याद रख लीजिए तो आपको काफी सफिशियंट रहेगा जरूरी नहीं कि जितनी भाव मैंने लिखे हैं उतनी ही याद करनी है आपको आप अगर उत्तर कालामृत पुस्तक लेंगे बुक खरीदेंगे तो उत्तर कालामृत बुक के अंदर कम से कम पैंसठ पैंसठ चीजें दी गई है जो एक भाव रिप्रेजेंट करता है कि पंखा कौन रिप्रेजेंट करता है छाता कौन रिप्रेजेंट करता है वो सारी चीजें उसमें दी गई है तो कभी अगर आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे क्लास के अंदर आपको दो महीने करीब हो जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उत्तर कालामृत किताब आती है जगन्नाथ भसीन जी की वो किताब को लीजिएगा लेकिन अभी नहीं अभी मैं आपको दो या तीन महीने बाद सजेस्ट करूंगा कि वो किताब आप खरीदे उनको आप पढ़े तो उससे आपको आइडिया होगा अभी तो आप चार पांच मोटी मोटी चीजें जितनी भी हैं उनको याद रखने की कोशिश कीजिए उससे आपको बहुत फायदा होगा तो तीन तरह के मतलब चार तरह के भाव होते हैं ये ग्रेड भाव बी ग्रेड भाव आवाज म्यूट कर लीजिए सब लोग देख लीजिए आवाज आपका म्यूट अभी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो ए ग्रेड भाव बी ग्रेड भाव सी ग्रेड भाव और डी ग्रेड भाव चार तरह के भाव होते हैं ए ग्रेड भाव क्या होते हैं अतुल जी का ऑन है सर, अतुल जी अतुल जी जरा बंद म्यूट कर लीजिए हाँ अब शायद म्यूट हो गया है तो ए ग्रेड भाव कुंडली के अंदर चार तरह के भाव हैं ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड और डी ग्रेड ये ध्यान रखिए मोटा मोटा तो ए ग्रेड भाव कौन से हैं ये कौन सा भाव है अरुण जी हाँ जी सर ये कौन सा भाव है ग्रेड ग्रेड grade... नहीं नहीं, नहीं तो भाव छोड़ दीजिए वो तो ध्यान बना हुआ है पहला भाव है दूसरा भाव है तीसरा भाव है क्या है ये

और ये वाला लखोटिया जी अतुल जी ये भाव भाग्य भाव भाव ठीक है।, है तो एक पांच और नौ कुंडली का पहला पांचवा और नवा भाव ये एक ग्रेड भाव होते हैं इतना याद रखिए आप मोटा मोटा इतना इनको जल्दी के भाव हाँ इनको त्रिकोण के भाव बोलते हैं त्रिकोण भाव बोलते हैं इनको त्रिकोण त्रिकोण के भाव इनको बोलते हैं और ये भाव आपके जो होते हैं मोटे ये मोटे ये वाले भाव आपके ए ग्रेड भाव होते हैं कुंडली में जिनके ये वाले भाव अच्छे हैं पहला भाव अच्छा है पांचवा भाव अच्छा है नवा भाव अच्छा है तो समझो उसका त्रिकोण अच्छा है तो उसके जीवन में चारों तरफ खुशहाली दूसरा बी ग्रेड भाव कौन कौन से होते हैं ये कौन सा भाव है कोई बताइए फोर्थ है अच्छा ये हुआ। और हुआ। ये वाला, हुआ। वाला। हुआ। हाँ तो फोर्थ सेवंथ टेंथ ये भाव जो होते हैं हमारे बी ग्रेड वाले भाव होते हैं फोर्थ सेवंथ और टेंथ फोर्थ सेवंथ और टेंथ सर मेरे पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आपके मेघल मेघल लैपटॉप में या कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है सर नहीं तो यहाँ तो बिल्कुल ठीक आ रही है और सब किसी की दिक्कत हो रही है कोई नहीं नहीं सर अरुण जी आपका नेटवर्क इश्यू होगा गया अरुण जी मेरे घर में कोई हो बच्चा उसको लगा लीजिए आजकल बच्चे स्मार्ट हैं बहुत ज्यादा एक मिनट जरा चेक कर लेगा वो नहीं तो रिकॉर्डिंग आएगी रिकॉर्डिंग में आपको मालूम चल जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि चौथा सातवां और दसवां भाव इसको आप बी ग्रेड भाव बोल सकते हैं कि ये बी ग्रेड भाव है मतलब सेकंड कैटेगरी के भाव है अभी ग्रेड से आप यह मत सोचिए कि बहुत ही खतरनाक खराब या बहुत अच्छे हो गए मतलब ग्रेड दिया हुआ है कि भाई पहले वाला ग्रेड जो है ए ग्रेड जो है वो बहुत अच्छा है बी ग्रेड वाला उससे थोड़ा कम है सी ग्रेड वाला उससे थोड़ा कम है और डी ग्रेड वाला सबसे कम है तो इस तरीके से आपको आइडिया लगाना ये भाव कहलाते हैं केंद्र के भाव इन भावों को बोलते हैं केंद्र के भाव पहला पांचवा नवा भाव कहता है त्रिकोण का भाव ये भाव कहलाते हैं केंद्र का भाव जो पहला भाव हमने आपको बताया था कि जो पहला भाव हमारा है जो ए माता में आता है वो केंद्र के अंदर भी काउंट होता है पहला चौथा सातवां दसवां केंद्र में काउंट होता है लेकिन पहला भाव जहां तक संबंध है वो ए ग्रेड आएगा तो आप मोटा मोटा ये समझिए जब हम त्रिकोण की बात करते हैं तब भी हम एक पांच नौ करते हैं केंद्र की बात करते हैं तो हम एक चार सात दस करते हैं तो पहला भाव त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी आता दोनों चीजों में आता है पहला भाव तो केंद्र के भाव हमारे ये वाले हो गए ये हमारे बी ग्रेड भाव हो गए उसके बाद हमारे सी ग्रेड भाव आते हैं सी ग्रेड भाव कौन से हमारे ये भाव कौन सा है द्वितीय द्वितीय ये वाला तीसरा तीसरा और ज्ञान ये हमारे सी ग्रेड भाव हो जाते हैं ठीक है अच्छा इसके बाद हमारे आते हैं ये डिग्रेड भाव जिनको हम कहते हैं कि ये डिग्रेड मत सोचिए ये डिग्रेड भी बहुत अच्छा है बड़ा अच्छा होने के लिए देख मैं आपको एक चीज बता दूं इसके अंदर कि ज्योतिष में कोई भाव बुरा नहीं होता और कोई भाव इसे कह सकते हैं कि 100% अच्छा होता है लेकिन डिग्रेड जो बोला है वो इसलिए बोला गया कि नॉर्मली ये भाव जो होते हैं आपके ये छठा भाव ये आठवां भाव और ये 12वां भाव हमने लिखा था पीछे छठा भाव जो है वो हमारा रोग ऋण शत्रु इनका भाव होता है आठवां भाव हमारा कलह का पीड़ा का मृत्यु कारक कष्ट का भाव होता है बारहवा भाव हमारा व्यय का भाव होता है हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर का भाव होता है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर का भाव होता है लेकिन बारहवा भाव मोक्ष का भाव भी होता है छठा भाव जहां पे रोग ऋण और शत्रु का भाव है वहां पे कंपटीशन का भाव भी छठा भाव होता है आठवां भाव जहां पे आपके कलह पीड़ा मृत्यु कारक कष्ट का भाव है वहां पर ये अचानक लाभ हानि का भाव भी होता है और अविष्कार का भाव भी होता है जितने भी इन्वेंशन वगैरह होते हैं आप आर्मी कुंडली कुंडी में न्यूटनी कुंडली में इनमें अगर देखेंगे कुंडली में तो आपको आठवां भाव बहुत कुछ बहुत मिलेगा तो तो ऐसा नहीं कि कोई भाव को हम डीग्रेड कर रहे हैं तो डीग्रेड का मतलब यह हो गया कि ये तो बिल्कुल बेकार है इनका तो कोई सब कुछ यूज ही नहीं है ऐसा नहीं डी केवल ये दिखाया गया है कि पहले नंबर पर लोग मानते हैं कि अगर त्रिकोण के अंदर आपके ग्रह हो तो वो भाव अच्छा है दूसरे नंबर पर लोग मानते हैं कि केंद्र में ग्रह हो वो ज्यादा अच्छा है तीसरे नंबर में मानते हैं कि अगर दो तीन और ग्यारह में ग्रह बैठे हों तो ठीक है और सबसे कम मानते हैं कि वो छह आठ बारह में ग्रह ज्यादा नहीं होने चाहिए वो ये मानते हैं किसी के कुंडली में मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि छठे आठवें बारहवें भाव में ग्रह नहीं होने चाहिए तो वो थोड़ा उस कुंडली को माना जाता है कि भाई ये कुंडली थोड़ी बेटर है अभी आगे चलेंगे सारी चीजें कि ग्रह की भाव की शक्ति क्या है भाव से क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा इसलिए उस चीज से आप बिल्कुल भी अभी चिंता मत कीजिए इसके बाद आता है रिलेशनशिप विद रेस्पेक्ट टू अदर हाउस ये मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं दरअसल पढ़ाता नहीं हूं लेकिन मैंने पहली बार अपने बैच में इसको स्टार्ट किया है हालांकि आप लोग बहुत होशियार हैं पिछली बार मैंने बीच में थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेके भी आपका देखा था रिलेशनशिप के बारे में तो वो आप सीख गए थे मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप रिफ्रेश कर लें उस चीज को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और आगे आप रिलेशन बनाना सीख जाएंगे क्योंकि देखिये बारह भावों के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है अब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं पांच पांच छह छह चीजें बताई हैं आपको हर भाग के लिए तो आप तो कहेंगे सर सेवेंटी टू थिंग्स हो गई हैं तो खाली बारह बहत्तर बहत्तर बार चीजें आपने बताई हैं कि बहत्तर चीजों को हम इन बारह भाव बार बार से देखेंगे चीज तो बहुत सारी है चीज तो हजारों लाखों है तो कहां से देखेंगे हम वो सब बारह भाव बार बार से देखी जाएंगी आप सारी आपकी बारहवें भाव से देखी जाएंगी लेकिन आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा तो रिलेशन कैसे बनाते हैं रिलेशन देखिए पहला भाव पहला भाव क्या है अब देखिए पहले भाव से इतनी सारी चीजें और आ गई मैंने बताया था पहले भाव से आपका स्वास्थ्य देखते हैं आपका यश देखते हैं आपका नेम फेम देखते हैं वो सब पहले भाव से देखते हैं आपका हेल्थ देखते हैं आपकी अब ये सारी चीजें और आ गई इसके अंदर ये पहले भाव में ये कहां से आ गई क्योंकि पहला भाव क्या है उसका रिलेशन लगाइए कि पहला भाव कौन सा है वो तीसरा है ग्यारह भाव से भाव से तीसरा है, है? है मैंने बताया था दो तरह के फ्रेंड्स होते हैं आपके एक फ्रेंड्स वो जो आपसे उम्र में बड़े होते हैं पांच साल से ऊपर आपके होते हैं एक फ्रेंड्स वो जो आपसे उम्र में बराबर होते हैं या आपकी उम्र के आसपास होते हैं एक दो साल या एक दो साल कम ऐसे होते हैं तो ग्यार भाव जो होता है वो आपका फ्रेंड्स का होता है तीसरे भाव से हमने बताया था कि छोटी मोटी जर्नी भी देखते हैं आपके एफर्ट्स भी देखते हैं आपका हार्डवर्क भी देखते हैं आपका पराक्रम भी देखते हैं आपके छोटे भाई बहन को भी देखते हैं आपके जो काम करने वाले नीचे सेवक है उनको भी तीसरे भाव से देखते हैं खेलकूद के लिए भी हम तीसरे भाव को देखते हैं ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी आपने पीछे देखा होगा सारा तो जब पहला भाव तीसरा भाव है ग्यारहवें से तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रेंड्स की जर्नी का भाव भी हुआ कोई पूछे जी मेरा फ्रेंड जर्नी पे जा रहा है तो मैं कौन से भाव से देखूं कि उसकी जर्नी सफल होगी या नहीं होगी तो आपको पहले भाव पे आना पड़ेगा फ्रेंड्स कहां पे है जर्नी कहां पे है तो आपने देखा भाई फ्रेंड्स का भाव तो ग्यारहवा जर्नी का भाव तीसरा तो ग्यारहवे से तीसरा तो तीसरा कौन सा हुआ पहला तो पहले भाव में हम ये चीज देखेंगे अब जैसे ही प्रोफेशन आपका है वो दसवां भाव है प्रोफेशन आपका दसवां है प्रोफेशन का सुख वो कौन सा आपका हुआ प्रोफेशन के अचीवमेंट्स आपके कौन से हुए बताइए कल्पना जी चौथे का दसवां सर हाँ कैसे देखिए प्रोफेशन आपका दसवां है जी और उसका सु, मतलब सुख चौथे भाव से देखते हैं हाँ तो प्रोफेशन का सुख तो दस चौथे से दसवा है दसवें से चौथा हाँ, तो दसवें चौथा कौन सा भाव हुआ दसवें चौथा भाव गिनोगे तो कौन सा भाव हुआ दस दसवें से चौथा बारह सर दूसरा दूसरा भाव हुआ दसवें चौथा जी आपने ये बताया ना ठीक है पांचवे से नवा पांचवे से नवा पहला पहला छठे से आठवा छठे से आठवां छः छः बारा और दो दू। दूसरा दूसरा सातवें से सातवां सात सात चौदह तो बारा सातवें सात रह सर दूसरा सातवें सातवां क्या ना दूसरा आठवें से शट... छठे से आठवां <coughs> छठे से आठवां

नहीं काउंट करो ना इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये सब काउंट करना अभी मैं दूसरे से पूछूंगा अभी अरुण जी बताएंगे कि ये आप जो बता रही हो ठीक बता रही हो नहीं बता रही हो रिलेशनशिप करना आपको आना चाहिए कि भाई पांचवे से चौथा कौन सा है छठे से तीसरा कौन सा है छठे से तीसरा तो गिन लिया आपने छठे से तीसरा छह सात आठ तो आठवां भाव जो है वो छठे से तीसरा भाव हो गया तो ऐसे आपको काउंट करना आना चाहिए भाई छठा भाव आपका रोग शत्रु का भाव होता है। छठे से सर कौन सा तीसरा भाव छठे से तीसरा सर हाउस। हाउस। अब ये बताओ। जी। चौथे से ग्यारहवा कौन सा भाव हुआ चौथे से हुआ। दूसरा सर इलेवेंथ से फोर्थ लगाओ चौथे से ग्यारहवा दूसरा हो गया और ग्यारहवा चौथा लगाओ क्या हुआ गैर से चौथा दूसरा ही दूसरा होगा, गुड तो दस से चौथा आपने दूसरा कैसे बताया फिर दस से चौथा नहीं सर दस से चौथा ये आएगा पहले लग्न हाँ यहाँ गलती करी ना आपने जी सर <laughs> अच्छा फिर दूसरा भाव देखिए आप दूसरे भाव में सिक्स फ्रॉम नाइन्थ क्या नाम है अजय मित्तल जरा बताना सिक्स फॉर्म नाइन्थ कौन सा हुआ सर ये वो नौ दस ग्यारह बारह एक दो सेकेंड हाउस सर सेकेंड हाउस गुड सिक्स भाव किस चीज का होता है बीमारी का भाव किस चीज का होता है फादर का तो फादर की बीमारी सिक्स फ्रॉम नाइन्थ यानी दूसरे भाव से देखेंगे अगर आपकी कुंडली से ही फादर की बीमारी देखनी है तो कैसे देखें वो आपके दूसरे भाव से देखेंगे कुंडली के दूसरे भाव से देखेंगे क्यों क्योंकि फादर आपने लिया नवा भाव बीमारी लिया आपने छठा भाव तो फादर की बीमारी यानी फादर नवे भाव पे, तो नवे छठा तो दूसरा भाव यानी दूसरे भाव से आप फादर की बीमारी देखेंगे इसलिए आपको रिलेशन करना आना जरूरी है सर बेसिकली ऐसे हुआ ना सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बोलो बोलो कि बोलो हमें जिस भाव को देखना है बेसिकली हमें उस भाव को लगन बना के देखना है ऐसे ही होना बिल्कुल जा? बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हो तुम तो तुम्हें किसी भी भाव की स्टडी आपने करनी हो तो उस भाव को लगन बना लो तो आपको सब चीज मिल जाएगी जैसे आप दूसरे को लगन बनाओगे तो धन का वो हो जाएगा फिर धन का सुख हो जाएगा फिर धन का तीसरा भाव धन का पराक्रम हो जाएगा मतलब आपके भाव तो वही ही है तन है धन है पराक्रम है वही वाले भाव है तो, लेकिन जिसको भी लगन बनाओगे वो चीज आपकी उस भाव की हो जाएगी अब जैसे डेथ ऑफ स्पाउस देखना है आपने पत्नी या पति की मृत्यु किस भाव से देखेंगे अरुण जी आप बताइए आपकी कुंडली से अगर पत्नी की मृत्यु देखनी हो तो किस भाव से देखेंगे अरुण जी हैं अतुल जी आप बताइए भाव से हाँ। क्यों सातवें से आठवें भाव से मृत्यु देखते हैं तो सातवें से आठवां हाँ क्योंकि सातवा भाव जो है वो पत्नी का भाव है और आठवा भाव मृत्यु का भाव है तो सातवें से आठवें पे जाएंगे तो सातवें से आठवां भाव जो हो गया वो हाँ तो पत्नी की मृत्यु का भाव हो गया यदि किसी मेल की कुंडली से आप कुंडली देख रहे हैं और देख रहे हैं पत्नी की मृत्यु कब होगी किसी मेल कुंडली से तो आपको दूसरा भाव चेक करना पड़ेगा तो यानी कहने का मतलब यह है कि आप एक ही कुंडली से बहुत चीजें आपकी मौसी की तबियत कैसी है आपके भाइयों की तबियत कैसी है आपके फादर मदर की तबियत कैसी है आप सब देख सकते हैं आप जैसे एक ही कुंडली मैंने आपको बता दिया सपोज कीजिए कि आपकी मौसी जो है वो कौन से भाव से देखेंगे कोई कोई बताए अगर कोई कहे कि जी मेरी मौसी की तबीयत कैसी है मैं अपनी कुंडली से देखना चाहता हूं तो कौन बताएगा कि मेरी मौसी को हम कौन से भाव से देखें सर मामा का तो सिक्स हाउस होता है मौसी का या तो माँ का चौथा और सिस्टर का वो देखना माँ मा का, चौथा भाव होता है ना हाँ जी तो माँ की छोटी बहन तो अपना अपना ग्यारह एक, एक वाव पहले हो गया तीस आ... मतलब मदर फोर्थ से इलेवेंथ देखना पड़ेगा अपने को नहीं 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 की छोटी बहन तो छठे से तीस चौथे से तीसरा देखना पड़ेगा ना आपको चौथे से तीसरा हाँ करेक्ट सर तो मौसी का भाव भी वाला होता है मौसी की बीमारी वो कौन से भाव से देखेंगे कि जी मौसी बीमार है या नहीं है मौसी तो देख लिया आपने छठे भाव से देख लिया मौसी की बीमारी वो उससे छठे से छठे से छठा हाँ भाई मौसी तो छठे से देख लिया उसकी बीमारी छठे छठे देखोगे ना मामा छठे से देख लिया तो मामा की बीमारी छठे छठे देखोगे ना तो पहले तो आपने पहले तो तो आपने आपने ये निकालना है कि आपकी मौसी आपके मामा या जो भी है आपके वो किस भाव से देखेंगे जब वो आपने निकाल लिया तो फिर उसकी बीमारी किस भाव से देखेंगे तो मतलब मेरा कहने का ये है कि रिलेशनशिप के अंदर जो है आपको यही सब करना है अब जैसे कैरियर में कोई लिटिगेशन आना किसी के कैरियर के अंदर कोई लिटिगेशन आता है तो वो कौन से भाव से देखते हैं भाई मेरा कैरियर चल रहा है सही बिल्कुल ठीक चल रहा है कल को मेरे कैरियर में कोई लिटिगेशन आएगा नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी तो वो कैसे पता लगाए तो आप दो चीज में तोड़ लीजिए चीजों को देखिए मतलब एकदम मत जाइए रिजल्ट के ऊपर दो चीज में तोड़ लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारा कैरियर सही चल रहा है उसमें लिटिगेशन होगा या नहीं होगा तो पहली बात तो ये हमारा कैरियर हमारा कैरियर दसवा भाव उसमें लिटिगेशन होगा या नहीं होगा लिटिगेशन का तो है है छठा भाव ये मैंने बताया आपको छठा अभी आप लोगों ने लगता है पीछे वाले भाव सारे याद नहीं किए ठीक से छठे भाव में लिटिगेशन भी है रोग ऋण शत्रु कोर्ट केसेस लिटिगेशन वो सारे छठे भाव के अंदर है तो दसवें छठा हो गया तो लिटिगेशन इन ओन कैरियर हो गया तो किसी के कैरियर में लिटिगेशन होंगे या नहीं होंगे कोर्ट केसेस वगैरह होंगे नहीं होंगे वो देखना हो तो आप दसवीं छठा भाव देखिए यानी थर्ड भाव देखिए तो थर्ड भाव अगर कमजोर है तो कैरियर में लिटिगेशन हो सकते हैं अच्छा अब ये देखिए आपके शत्रुओं का कैरियर या ऑक्यूपेशन क्या है वो किस भाव से देखेंगे कोई पूछे भाई आपका शत्रु है तो उसका कैरियर या वो क्या है ऑक्यूपेशन क्या है उसको भी आप आइडिया लगा सकते हैं क्या सर से देखेंगे आप तोड़ो ना उस चीज को भाई शत्रु का कैरियर हो आप शत्रु आपका छठे भाव हो गया कैरियर दसवा हो गया छठे दसवां देखिए सीधा तो शत्रु का कैरियर हो गया तो कहने का मतलब यह है कि रिलेशनशिप आपने करनी आनी चाहिए अगर आप रिलेशनशिप कर लेंगे तो आप बिल्कुल जीत जाएंगे किसी बात कोई आपसे कोई बात पूछे तो पहले तो सबसे पहले माइंड में आपके दो चीज आनी चाहिए पहली बात तो ये कि ये जो बात पूछ रहा है वो किस ग्रह से संबंधित ग्रह तो मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास से पढ़ाना चालू कर दूंगा तो ग्रह आपके हो जाएंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दूसरी चीज ये कि जो बात इस इंसान ने पूछी है वो किस भाव से संबंधित है तो आपने भाव देख लिया अब भाव तो देख लिया आपने लेकिन क्या पूछ रहा है वो वो पूछ रहा है मेरी बहन का सुख मेरी बहन सुखी होगी नहीं होगी मेरी बहन सुखी रहेगी या नहीं रहेगी कुंडली दिखा रहा है अपनी और कह रहा है जी मेरी बहन सुखी रहेगी या नहीं रहेगी जरा बता दीजिए तो मेरी बहन तो थर्ड भाव से हो गया सही बात है इसका लेकिन बहन का सुख वो थड़ का चौथा हो गया hmm. ठीक है तो वो मेरी बहन सुखी रहेगी तो मैं बताऊंगा थर्ड के चौथे से तो आपको उसके सेंटेंस को दो या तीन हिस्सों में तोड़ लेना है और तोड़ के फिर आपको उसको बताना है कि कौन से भाव से जाके आप बता पाएंगे उसको कि भाई हाँ आपकी बहन सुखी रहेगी आप कहते हैं कई बात के जाते हैं पंडित जी के पास किसी के पास पंडित जी कहते हैं जी आपकी फलाने को प्रॉब्लम है आपके फलाने घर में प्रॉब्लम है तो आप सोचते हो यार कुंडली मेरी दिख रहा है बोल उसकी प्रॉब्लम रहा है वो सब इसी वजह से होता है क्योंकि रिलेशनशिप है हर चीज के अंदर मतलब एक ही कुंडली से आप सारे पारिवारिक कुंडली सारे आपके पूरे उसी कुंडली देख सकते हैं वो बात दूसरी है कि हम चाहते हैं कि जब मामा की कुंडली देखें तो मामा, मामा की कुंडली देखें मामा की कुंडली अपनी सेपरेट हो लेकिन मामा के बारे में मोटी मोटी बातें पता करनी हो तो वो आप ही कुंडली से देखी जा सकती है कि मामा का सुख कैसा है मामा के दुश्मन कौन है मामा छठे भाव में है तो मामा के दुश्मन मामा छठे छठा हो गया वो मामा के दुश्मन हो गए मामा का रोग कौन से भाव से है मामा छठे भाव से है तो मामा का रोग छठे छठा हो गया मामा की पत्नी कौन से भाव से है मामा छठे भाव से है तो मामा की पत्नी वहां से सातवा हो गया देखिए कितनी चीज मालूम चल रही है और छठे सातवा भाव कौन सा हुआ ट्वेल्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस तो वहां से तो मैंने बताया नहीं था कुछ भी आपको कि मामा की पत्नी होती है लेकिन यहाँ निकल कर आ गया तो इस तरीके से रिलेशंस आपने लगाने ये रिलेशन आप अगर अब लगाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं और एक दो रिलेशन देख लेते हैं हम लोग सर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स कैरियर के लिए कौन सा भाव होता है देखिए स्पोर्ट्स कैरियर जो होता है ना स्पोर्ट्स में मतलब आप चमकेंगे या नहीं चमकेंगे स्पोर्ट्स के अंदर वो भाव तो आपका थर्ड होता है कि आप स्पोर्ट्स में सफल होंगे या नहीं होंगे वो थर्ड भाव होता है मैंने बताया कि स्पोर्ट्स का भाव थर्ड होता है आपका तो वो तो क्लियर है कि स्पोर्ट्स में चमकेंगे या नहीं चमकेंगे लेकिन भाई आपका स्पोर्ट्स में अच्छा रहेगा नहीं रहेगा या कैरियर कैसा रहेगा वो आपके फिर भाई का कैरियर देखना है तो आपने तीसरे से ग्यारहवां देखोगे फिर तीसरे से दसवा देखोगे आप वो अलग चीज है कि आपके भाई का कैरियर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा या आपका भाई स्पोर्ट्स में क्या करेगा चलिए बताइए भाई का स्पोर्ट्स कैरियर आपने देखना हो तो भाई तो आपने थर्ड भाव से देखा और स्पोर्ट्स देखते हैं थर्ड बार थर्ड से थर्ड चले जाइए तो वहां भाई से स्पोर्ट्स करियर भाई का स्पोर्ट्स करियर मिल गया आपको Bad. एनिमीज की वेल्थ आपके दुश्मनों पे कितना पैसा होगा छठे से दूसरा तो बेसिकली सर दोनों को पकड़ लेना हाँ, है एम्बिक्यूटी हाँ, तो तो वहां, तो वहां, वहां होती है जहां कोई आपने ऐसी चीज पूछ ली जो आपके किसी भाव में स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हुई है तो फिर क्या करेंगे फिर आप रिलेशन लगाएंगे आपको पता है कि भाई का भाव आपका तीसरा है बहन का भाव आपका तीसरा है छोटे भाई बहन का उनके सुख की बात कर रही है तब आप तीसरे से चौथा देखें भाई बहन के सुख की बात करनी है भाई बहन का सुख आपके लिए कैसा होगा वो तो आपसे तीसरा ही है देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा बिल्कुल जरा सा तीसरा भाव है कि आपको भाई बहन का सुख होगा या नहीं होगा ये तीसरा भाव है आपको होगा या नहीं होगा तो तीसरा हो गया लेकिन आपके भाई बहन को सुख होगा या नहीं होगा वो आपके तीसरे से तीसरा भाव है आप समझे पांचवा भाव पांचवा भाव आप ये जो लगन को चीज है लगन देखिए पहले भाव से हम कोई चीज देख रहे हैं तो लगन क्या होता है लगन तो स्वयं होता है तो स्वयं को सुख स्वयं की पत्नी स्वयं के छोटे भाई बहन स्वयं की पत्नी सातवां भाव स्वयं को सुख चौथा भाव स्वयं की पत्नी सातवां भाव हो गया स्वयं की बीमारी छठा भाव हो गया तो हम वही कह रहे हैं स्वयं के छोटे भाई बहन हमारे तीसरे हो गए तो अगर हम कहते हैं तीसरा भाव हमारा अच्छा है तो हम कहेंगे हमें भाई बहन का सुख है लेकिन भाई बहन को सुख है या नहीं है ये तीसरे से तीसरा देखना है कल्पना जी क्लियर है अरुण जी सर भाई को सुख है कि नहीं वो तीसरे से चौथा नहीं देखेंगे हाँ चौथा तीसरे, तीसरे चौथा यस चौथा क्योंकि भाई तो तीसरा हो गया अब बड़े भाई को सुखे या नहीं है वो देखना होगा तो। चौथा नहीं ग्यार्वे तीसरा, ग्यार्वे चोथा। चोथा। बड़ा भाई जो है बड़ा भाई बड़ी बहन वो गारवे भाव से है क्लियर हो गया सर ये अच्छे से हो गया क्लियर क्लियर अच्छे हो गया ना तो मैं आप ये वाली रिलेशनशिप आपके पास ये सारी चली जाएंगी आप आपके देखिएगा भाई, भाई का भाई का सुख देखना है तो तीसरा घर देखना तीसरे से तीसरा चौथा 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 देखिए भाई आ, तो का भाई का सुख देखना है तो भाई का तो तीसरा भाव हो गया उसका सुख तीसरे चौथा भाव हो गया इंटरेस्टिंग है सर ये वाला बहुत अच्छा ये है यानी छठा भाव हाँ ये मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये कि दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं है भी बहुत है सर कंफ्यूजन हाँ, कुछ नहीं है अभी आप थोड़ा समझ रही हो देखिए मैं आपको कितनी बार आप, आपसे एक बार ये बोल रहा हूँ आपसे कि जो भी चीज भाव दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं लगन जो है वो स्वयं आप हो पहला भाव आप हो दूसरा भाव आपका धन है तीसरा भाव आपका भाई बहन है चौथे भाव आपका सुख है पांचवा भाव आपके संतान है आपको संतान का सुख कैसा रहेगा यह पांचवा भाव बताता है आपको संतान का सुख कैसा रहेगा ये बताता है आपकी संतान को सुख मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग चीज है ये जो भाव सारे मैंने आपको बारह बताए हैं ये आपके लिए हुआ सर अभी तक सर है? ये तो है जैसे कि ये आप स्वयं हैं ठीक है आपके लिए जो देखना है माता पिता भाई बहन चाचा आपके, चा, तो आपके लिए जो सुख देखना है बारह भावेगा ये बारह भाव बताएगा भाई आपके लिए संतान का सुख कैसा होगा पांचवा भाव देख लो आपके लिए भाई बहन का सुख कैसा होगा पांचवा देखेंगे ठीक है आपके लिए भाई बहन का सुख कैसा होगा तीसरा भाव आपने देख लिया लेकिन संतान को सुख होगा ही नहीं होगा भाई बहन भाव से फिर भाव लगा के तब भाव से भाव लगाएंगे सुख देखना है तो भाई, तीसे तीसे हो के तीसरे चोथा, तीसरे चोथा। भाई का, का चौथा देखना होगा होगा, ये देखना है क्योंकि जो लगन से देख रहे हो आप तीसरा वो तो आपके लिए सुख है भाई का भाई का सुख नहीं है वो भाई को सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा आप तीसरा भाव देख के ये भी कह सकते कि भाई सुखी है बहुत धनी है बहुत आप तीसरा भाव देख सकते हैं कि भाई मेरे लिए बहुत कॉपरेटिव है भाई मुझे बहुत कॉपरेट करेगा भाई मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा ठीक है तो ये आपको आइडिया अभी धीरे धीरे आइडिया लगाओगे तो आपको लग जाएगा इसमें ऐसी कोई बात नहीं है सिंपल चीजें हैं बहुत धीरे धीरे आप समझ जाओगे लगन से जो आप देखते हैं बारह भाव वो आपको मिलने वाली चीजें वो सारा सुख आपको मिलने वाला है चाहे भाई का सुख हो चाहे संतान का सुख हो चाहे पढ़ाई का सुख हो चाहे शत्रुओं का दुख हो चाहे रोग का दुख हो वो सब आपको मिलने वाला है कलह हो पीड़ा हो आपको होने वाली और जब आप रिलेशन लगाएंगे तो फिर आप इस तरह से रिलेशंस लगाएंगे सारे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज और बता देता हूं उसके बाद हम लोग ग्रह नेक्स्ट क्लास से लेंगे जरा आप लोग होल्ड कीजिएगा मैं दो मिनट में आता हूँ पानी पी हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको आ रही है सर अच्छा अच्छा अरुण कुमार जी समझ में आ रहा है चीज नहीं सर आ रहा है है अभी रिकॉर्डिंग देखोगे ना एक बार फिर समझ में आएगा ठीक ये बहुत धीरे धीरे चीज समझ में आती है हमें भी पहली बार मेरी समझ नहीं आई थी जब हमने पढ़ना शुरू किया था मैं आपको बताऊं सही बात कंफ्यूजन रहा था बहुत ज्यादा धीरे 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 पढ़ते 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 बाद में क्लियर होना शुरू हुआ लेकिन चूंकि मुझे बाद में क्लियर होना शुरू हुआ जो चीज आप एक साल बाद सीखते हैं मैं आपको अभी सिखाने ही कर रहा। को। तो आपको लेकिन अरे नींद लेट खुली होगी <laughs> हाँ। हाँ इसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लेना एक बार सारी ठीक है ना ठीक है और रिकॉर्डिंग के बाद भी प्रॉब्लम हो तो कभी भी मुझसे पूछ लेना फोन करके ओके सर मेरा फोन नंबर तुम्हारे पास है फोन नंबर फोन से फोन करके पूछ लेना कि सर आपने ये चीज बताई थी तो इसमें क्या चीज पॉसिबिली जिस जो पढ़ाया है उसी के बारे में पूछना बाकी चीजें मत हाँ ठीक <laughs> है तो क्योंकि फिर मेरा ऑफिस होता है तो मुझे बहुत ज्यादा काम होते हैं अपने ऑफिशियल वर्क होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है तो जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में आप कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं सर आपने ये पढ़ाया था उसी के बाद पूछ लीजिए थोड़ा मेरे भी उम्र हो चल गई है तो मैं भी पीछे की चीजें भूल जाता हूं जरा आप मुझसे पूछो दस क्लास पहले की कि वो आपने पढ़ाया था तो थोड़ा ध्यान करने में मुझे भी टाइम लगेगा ठीक है तो खैर चलिए नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी रिकॉर्ड पढ़ लीजिए सारा पढ़ रिकॉर्डिंग देख लीजिए जो ना समझ में आए हम जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप पांच मिनट हम लोग इसी पर रिवाइज कर ये बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है बॉडी पार्ट्स ये बॉडी पार्ट्स हैं इसमें आ, कोई याद करने की मतलब वो जरूरत नहीं है इनको तो आप नोट डाउन कर लीजिए रटने की जरूरत नहीं है रटने के लिए मैंने आपको काल पुरुषी कुंडली में बताया है कि काल पुरुषी कुंडली जो बताई उसमें पहला सर पे कौन सी मस्तक कौन सा चीज बताई मेष कुंडली बताई मेष राशि बताई मस्तक पे वृष राशि उसके मुख पे मिथुन राशि कंधों पे राशि छाती पे पांचवी राशि पेट पे छठी राशि ये सब बताइए आपको ध्यान है पीछे दिखाया था पुरुषी कुंडली का वो जो मैंने दिखाया था वो जी सर पीछे का आप लोग रिवाइज नहीं करते हो कल्पना जी ये प्रॉब्लम हो जाती है इसको रिवाइज करके रखो सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि ये सारी चीजें आपके काम आएंगी अगर किसी भी कुंडली में पहले नंबर की राशि पहले नंबर का भाव अगर पीड़ित है तो आपको शरीर के उस पार्ट में प्रॉब्लम हंड्रेड परसेंट होगी ध्यान रखना ये आपको आगे काम आएगा मेडिकल के अंदर सारा पहला भाव दिखाता है आदमी के मस्तक को आपके बालों को आपकी अपर पार्ट ऑफ फेस को आपके ब्रेन को आपके स्कल को ये पहला भाव दिखाता है अगर पहला भाव कमजोर है किसी इंसान का पहली राशि कमजोर है एक ही चीज से कमजोर होने से नहीं होता है इसके अंदर पहला भाव कमजोर है पहले भाव का स्वामी कमजोर है वो अभी स्वामी क्या है पहले भाव का वो तो हम आपको बताएंगे जो पहले भाव में राशि है उस राशि का स्वामी जो होगा वो पहले भाव का स्वामी होगा वो तो आपको बताएंगे लेकिन पहले भाव से क्या क्या चीजें देखते हैं दूसरे भाव से क्या क्या चीज देखते हैं वो आपको याद होनी चाहिए पहला भाव मोटा मोटा मस्तक का भाव है सिर का भाव है दूसरा भाव मोटा मोटा चेहरे का भाव है तीसरा भाव मोटा मोटा गर्दन का भाव है या शोल्डर का भाव है कंधे वंधे जो होते हैं चौथा भाव मोटा मोटा छाती का भाव है पांचवा भाव मोटा मोटा आपका एबन जो गाल बटर वगैरह होता है आपका हर्ट होता है दिल भी पांचवें भाव में आता है किसी का पांचवा भाव बहुत कमजोर हो पांचवें भाव का स्वामी भी कमजोर हो तो कह सकते हैं कि इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है वो कब होगी वो तो दशाओं में होती है दशाएं जब पढ़ाएंगे आपको तो आपको समझ में आएगा सब चीजें लेकिन ये याद रखना जरूरी है आपको मोटा मोटा तो पांचवा भाव आपके पेट का भाव होता है हार्ट का भाग होता है छठा भाव आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है तो होती है ना इंटेस्टाइन एक स्मॉल इंटेस्टाइन एक लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत जिसे बोलते हैं वो छठा भाव होता है किडनी है नेवल है नेवल मीनस नाभी जो आपकी हो गई वो है वो सारा छठा भाव होता है तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है या नहीं है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है या किसमें है वो आपके छठे भाव से देखी जाती है कि छठा भाव अगर पीड़ित है छठे भाव का स्वामी अगर पीड़ित है तो हम कह सकते हैं कि भाई इस आदमी को लार्ज इंटरेस्ट में प्रॉब्लम कुछ होगी सातवां भाव जो भाव होता है वो ये यू यूट्रस का भाव होता है लेडीज के लिए यूट्रस देखा जाता है ब्लैडर देखा जाता है ब्लैडर वगैरह जो काल ब्लैडर होता है वो वो सातवां भाव होता है अगर सातवां भाव कमजोर हो सातवें भाव का स्वामी कमजोर हो तो कह सकते हैं कि अगर लेडी कुंडली है तो कह सकते हैं कि यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है ओवरीज की प्रॉब्लम हो सकती है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह की चीजें प्रॉब्लम हो जाती है आठवां भाव आपका जितने भी गुप्तांग है वो सारे आठवें भाव से आपके देखे जाते हैं वो आठवां भाव बताता है ये भावों का जो आप क्या क्या चीज पार्ट देख रहे हैं ये आपको याद रखने आवश्यक है आप इनको याद रखेंगे तो बड़ा फायदा आपको आप लोगों को मिलेगा नवा भाव आपका किस चीज का है वैसे तो मोटा मोटा जो होता है वो आपका का भाव होता है इनके मेडिकल मीनिंग देख लीजिएगा आपको सारे मिल जाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट चीक लेफ्ट चीक जो होता है लेफ्ट नी ये सब जानते हैं आप थाई हिप्स ये सब चीजें आप जानते हैं इनका भाव जो होता है वो नवा भाव होता है अगर नवे भाव में पीड़ित है नवा भाव का स्वामी पीड़ित है नवे भाव की राशि पीड़ित है तो हो सकता है दशा चल रही हो अगर उसी स्वामी की तो चोट लगने के चांस होते हैं सोचता है कि आपको हिप की हड्डी टूट जाए या थाई की हड्डी टूट जाए या लेफ्ट नी की हड्डी टूट जाए इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है तो आप कह सकते हैं पहले से को के भाई आप थोड़ा थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिए या चलिए फिर आराम से टेंथ हाउस जो होता है आपके मीज का भाग होता है घुटने जो होते हैं वो आपके टेंथ भाव में आ जाते हैं थाईज आपकी जो हो गई जंगा आपकी आ गई वो नाइन्थ में आ गई घुटने आपके टेंथ में आ गए अलेवंथ में आपके लेग आ गया नीचे का और बारहवे में आपका पैर आ गया सिंपल रख ये पूरे टोटल दिए हुए हैं हिसाब से कि बारह भाव पूरे दिए मोटा मोटा अगर बारह भाव देखें तो पहला भाव कौन सा हुआ मस्तक दूसरा भाव कौन सा हुआ फेस तीसरा भाव कौन सा हुआ अरुण जी बोलिए अरुण शर्मा जी कहाँ हैं क्या इनकी म्यूट कर लिया शायद इन्होंने अदरवाइज ये मेडिकल uh, प्रोफेशन से हैं तो इनके लिए तो ये बहुत अच्छा है ध्यान रखना इन सब चीजों को तो पहला भाव जो है आदमी का सर हो गया दूसरा भाव आदमी का फेस हो गया तीसरा भाव उसकी गर्दन या शोल्डर हो गए चौथा भाव उसकी चेस्ट हो गई चेस्ट है ब्रेस्ट है ये चौथा भाव, भाव हो गए लंग्स आपके जो होते हैं फेफड़े आपके जो होते हैं वो सब चौथे भाव से देखे जाते हैं चौथा भाव कमजोर है चौथे भाव का स्वामी कमजोर है तो हम कह सकते हैं कि फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है फेफड़े कमजोर हो सकते हैं पांचवा भाव आदमी का पेट है गॉल ब्लैडर है है छठा भाव आदमी का लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी बोलते हैं जिसको किडनी है नेवल है बेस्ट है अपेंडिक्स जो बोलते हैं अपेंडिक्स हो जाता है ना निकलवाना पड़ता है लोगों को वो प्रॉब्लम भी छठे भाव से होती है सातवां भाव जो देखते हैं वो यूटरस के लिए ब्लैडर के लिए देखते हैं आठवां भाव आपके जितने भी गुप्तांग है उनके लिए देखते हैं नवा भाव आपके थी जो जांग होती है या हिप्स है उसके लिए देखते हैं दसवां भाव के पैर के लिए देखते हैं घुटने के लिए ग्यारहवा भाव आपके पैर के लिए देखते हैं और बारहवा भाव के फीट के लिए देखते हैं पैरों के लिए तो ये आपके टोटल बारह भाव आपके हैं जो आपको मैंने बताए और इन भावों को आप ध्यान रखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको जो चलेंगे वो ग्रहों पर चलेंगे और ग्रह से आपका असली क्लास स्टार्ट हो जाएगी जब हम ग्रह के कारक ग्रह सी चीजें फिर आपको मालूम चलना शुरू हो जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर किस भाव से देना है किस ग्रह से देना है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर वर्ल्ड में कोई भी क्वेश्चन हो आप एक बार ग्रह और भाव पढ़ लेंगे तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन निकाल लेना हम बता देंगे आपको मतलब आप खुद बता देंगे कि वो इस ग्रह से देखूं और इस भाव से देखू किसी का भी आंसर आप निकाल सकते तो ग्रह एक बार आप और पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा भाव आपने पढ़ लिए रिलेशनशिप आपने थोड़ा देख ली इसकी लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए रिवाइज करके रिलेशनशिप बना के देखिए भाव तपन हाँ कुछ, कुछ पुराना चीज रिवाइज भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो

या नेक्स्ट क्लास में हम पांच सात मिनट पहले रखेंगे जो हम रिविजन करेंगे इस क्लास का ग्रह शुरू करने के ताकि हाँ, कोई प्रॉब्लम ना हो हाँ, ठीक है ठीक है हाँ. संतोष कोई दिक्कत अरुण जी, जी? अनम्यूट कर लीजिए आवाज अपनी सर अन्... आईफोन से कौन है सर मैं अच्छा तुम लॉकडेन अच्छा अच्छा चलिए ठीक है तो आज इतना रखते हैं और नेक्स्ट टाइम हम ग्रह स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से और अच्छी क्लास होगी थोड़ा बढ़ जाएगी क्लासे थोड़ा देर तक चलेंगी कोई चिंता करने की जरूरत तो नहीं है आप लोग आराम कीजिए सवा दस बजे संडे के दिन आप लोग सुबह सब स्टार्ट हो जाइए हम लोग सब लोग मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय श्री कृष्ण सर हाँ बोलिए सर जैसे मैंने एक लोगों से पूछा था पहले तो जैसे मैंने उनसे कुंडली भेजी तो उनसे तो मैंने पूछा तो उसने बताया कि बंधन दोष है तो मैंने पूछा ये क्या होता है तो बताया कि मतलब इसकी आप पूजा करवाइए ये सार, सारी उम्र चलता है ठीक है फिर मैंने उससे पूछा सर चल उसके संतान के बारे में बताइए तो वो कहने लगा कि उसकी संतान के लिए उसकी कुंडली से नहीं पता चलेगा अब आपको मालूम आप अपनी कुंडली से कितनी भाव है। है। भाव है, संतान, संतान को सुख मिलेगा नहीं मिलेगा वो मैंने आपको बताया तरीका देखिए संतान का सुख आपके लिए कैसा है वो तो आपका पांचवा भाव बता रहा है कुंडली का संतान को सुख मिलेगा नहीं मिलेगा वो संतान के संतान वाले भाव से चौथा भाव देख लीजिए संतान का स्वास्थ्य कैसा रहेगा वो उस भाव से दूसरा भाव देख लीजिए जी तो फिर उसकी तब... बात पे थोड़ा मुझे डाउट हुआ कि ऐसे मतलब जैसे वो बोल रहा है की संतान के लिए आपको उसकी उसकी पत्री नहीं चलेगी तो फिर मुझको उसके ऊपर डाउट हुआ कि वो ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है सब चीजें आपको मालूम चल जाती है वो बात सही है कि स्पेसिफिक देखना हो तो जिसकी पत्रिका है उसकी पत्रिका दिखा दें आप तो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिल जाते हैं लेकिन आप मोटा मोटा आइडिया कैसी लगा सकते हो जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताई या जो भी तरीका मैंने आपको आज अच्छा बताया लगाएंगे और चार पांच ग्रह ही क्लास करने के बाद मैं आपको ग्रह और दशा करने के बाद सर्टेनली मैं आपको कहता हूँ जब लोग कुंडली प्रैक्टिस पे आएंगे तो आप सब चीजें आपको मालूम चलेंगी और ये सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में दूर हो जाएंगे अभी कोई भी कंफ्यूजन आपको यूट्यूब से है या कोई भी कंफ्यूजन आप किसी पंडित जी से है उसको निकाल फेंकिए बाहर भूल जाइए हमारी क्लास में कोई भी जी भाई मैं सोची, सर हाँ, ऐसा नहीं है जैसे आप लोग तो तो ये, लो ये फैलाते हैं पूजा पाठ करवा लिया ये करवा लिया आपको जी, एक चीज बताई हो गया हाँ एक ही डराई और बीस डर पूजा करवा ली तो आदमी भी खुश होता है हम कहते हैं भैया मंत्र कर लो तुम हम पूजा बताते नहीं हम कहते हैं तुम ऐसा करो मंत्र कर लो तो लोगों को लगता है यार ये तो कुछ बोलते ही नहीं है ये तो क्या कहते हैं जी मंत्र कर लो भगवान का नाम ले लो अरे भगवान के नाम से बढ़िया नाम कोई है ही नहीं हो सर फिर तो क्या बताएंगे आपको बंधन दोष है आपको पितृ दोष है आपको काल सर्प दोष है आप उसकी मतलब कुछ, कुछ नहीं पूजा करवाइए सब, सब कुछ नहीं है आपको अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं आपके सारे संदे संदेह क्लियर हो जाएंगे इसकी चिंता मत कीजिए ठीक है नमस्कार जय श्री कृष्ण